इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में संसद भंग कर दी गई है, जल्द ही वहां पर सेना बनवा सकती है सरकार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने संसद भंग करने की मांग थी जो अब कर दी गई है। वीडियो जारी कर सेना को भी चेतावनी दे दी गई है, जिसके बाद संसद अब भंग कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वहीं आपको बता दें, कल ही शेख हसीना ने बांग्लादेश में इस्तीफा दिया और उसके बाद देश छोड़कर वो इस वक्त भी भारत में ही मौजूद हैं। और लगातार आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर अभी तक कोई बड़ा नेतृत्व बांग्लादेश को संभाल नहीं पाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही वहां पर सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सड़कों पर हजारों लोग यूं ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत लगातार अलर्ट पे है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में संसद भंग कर दी गई है।